अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनावों के प्रचार प्रसार में तेजी के कारण मुरझाया हुआ फूल बाजार अब महक उठा है। बाजार में खोई हुई रौनक लौट आई है और फूलों की मांग बढ़ गई है। इस बढ़ती मांग के साथ ही फूलों की कीमतों में भी उछाल आ गया है। हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अपने नेताओं के स्वागत सम्मान के लिए दिल खोल कर फूलों की खरीदारी कर रहा है। चुनावी मौसम करके हमारा कारोबार बहुत बढ़ गया है और पीछे से फूल हमें पहले सस्ता मिलता था, अब चुनाव चल रहे हैं, हमें फूल भी महंगा मिल रहा है और रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। इस वक्त बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा और शादियाँ इस वक्त कम है, शादियों करके तो हमारा काम थोड़ा डाउन आ गया था, लेकिन अब ये नेता बहुत अच्छे माल ले रहे हैं और हार बहुत अच्छी बिक्री हो रही है इस वक्त हमारी। चुनावी माहौल चल रहा है तो फूलों की डिमांड बढ़ गई है, ये हार जो आते हैं गेंदे के फूल के वो बिकते हैं ज़्यादा है। पहले हमारे ऐसे होते थे कि 15-20 पीस लग जाते थे, अब 100-120 ऐसे बिक रहे हैं और ये हार जो हमारे पहले हम लोकल लेते थे अब जहां हमें फूल भी नहीं मिल रहे। फूल तो पहले वैसे मिल नहीं रहा, अगर मिल भी रहा है तो दुगने चौगने रेट पर मिल रहा है। फूलों की बहुत शॉर्टेज हो गई है जिस वजह से जो है किसी भी तरीके से जो है फूल की जो है खरीदारी नहीं हो पा रही, इसलिए जो है चुनाव समझ में ये आ रहा है कि चुनाव के होने के बावजूद जो है फूलों के रेट जो है आसमान जो है छू रहे हैं। फूल जो है आजकल मार्केट में उपलब्ध नहीं है क्योंकि फूलों कहीं पे उपलब्ध नहीं है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इलेक्शनों के कारण फूलों की खपत जो है वो हो रही है, इसके कारण फूल मार्केट में नहीं मिल रहे हैं और इसका रेट 3-4 गुना ज़्यादा देना पड़ रहा है।